नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहले अंग्रेज बैठते थे ट्रेन में, भारतीय कमरे में बंद रहते थे। 110 साल पुराना इतिहास। लखनऊ का चारबाग स्टेशन शहर का शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो यहाँ कभी भी न गया हो। इस स्टेशन ने अंग्रेजी हुकूमत का वह दौर भी देखा है जब ट्रेनों में पहले अंग्रेज बैठते थे, उसके बाद हम शहर वाले। इसने बदलाव की धमक बगल से धड़धड़ाती मेट्रो में भी महसूस की है, लेकिन 110 साल पुरानी अपनी यादों की किताब के हर पन्ने इसने सहेज कर रखे हैं। आज मंडे स्पेशल स्टोरी में सुशील कुमार इन्हीं पन्नों से तलाश कर लाए अपना चारबाग स्टेशन। देश के सबसे खूबसूरत और बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इन दिनों यह स्टेशन संवारा जा रहा है। सेकेंड एंट्री पर बहुमंजिला इमारत बन रही है। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं और लुक से लैस किया जा रहा है, लेकिन इसकी पहचान और इतिहास में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चारबाग रेलवे स्टेशन की नींव 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी। इससे बनने में करीब 9 बरस लग गए। यह 1923 में बनकर तैयार हुआ। भारतीय रेल का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। लखनऊ भी इस इतिहास का साक्षी है। लगातार विकास हो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को सहेज कर भारतीय रेल का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। लखनऊ भी इस इतिहास का साक्षी है। लगातार विकास हो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को सहेज कर इसका आर्किटेक्ट ऐसा है कि बिल्डिंग के बाहर ट्रेन की आवाज नहीं आती, जबकि रोज 250 से ज्यादा रेलगाड़ियां यहां आती जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनी थी, वह आज पार्सल घर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैकब हार्नमैन ने इसका नक्शा बनाया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।